देश आज अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरी दुनिया इस मौके पर भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू हो रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर रहे। राष्ट्रपति के साथ अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी बतौर मुख्य अतिथि राजपथ पर गणतंत्र के जश्न में शामिल हुए। राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति ने तिरंगे को सलामी दी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने वीरता प्राप्त पुरस्कार लोगों से मुलाकात की। राजपथ पर इस समय 68वीं गणतंत्र दिवस परेड जारी है और भारत की सैन्य शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों और उसकी विविधतापूर्ण संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। देश के रणबांकुरे देश के शौर्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ ही विभिन्न झांकियों के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर सुखोई 30 विमानों ने त्रिशूल के परफॉर्मेंस दिखाए, साथ ही 5 मिग 29 विमानों ने भी अपने जौहर दिखाए। स्वदेश निर्मित 3 तेजस विमानों ने 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरकर पूरे देश को गौरव से भर दिया। देश के आतंकवाद रोधी दल राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। काली वर्दी में लगभग 60 कमांडो के एक दल ने राजपथ पर मार्च किया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी भी दी। एनएसजी की एंटी हाईजैकिंग वैन शेरपा भी परेड में शामिल की गई। शेरपा बुलेट प्रूफ बंदरबख्त वाहन है जिसमें किसी भी विध्वंसक विस्फोट को सहने और पानी के भीतर भी चलने की क्षमता है। इसके अलावा देश के कई राज्यों की खूबसूरत झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में जश्न का माहौल है। दुनिया भारत की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति से बखूबी वाकिफ हो रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।